इधर यूपी में किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मिर्जापुर में हैं। मिर्जापुर में राहुल गांधी दो खाट सभाएं करेंगे, इसके बाद वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। मिर्जापुर से उनकी यात्रा भदोही होते हुए इलाहाबाद का रुख करेगी। 15 सितंबर को राहुल गांधी इलाहाबाद में रोड शो में हिस्सा लेंगे। इलाहाबाद से उनका काफिला कौशाम्बी जनपद पहुंचेगा। देवरिया से दिल्ली तक की किसान यात्रा के तहत राहुल गांधी यूपी में 2500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। अमित, क्या कुछ अपडेट है और मिर्जापुर के लोग राहुल गांधी के इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? आपने जो है इसको पूरा किया। देखिए, मिर्जापुर के भीसड़ा में जो खाट सभा हो रही है उसमें राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्वेता, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और यूपी पीसी में वाइस प्रेसिडेंट राजेश मिश्रा सहित तमाम नेता भी यहाँ मौजूद है, आप देख रहे हैं। दूसरा चरण है ये राहुल गांधी की किसान यात्रा की, जो आज मिर्ज़ापुर से शुरू हो रही है। अब तक जितने भी जनपद से राहुल गांधी होकर गुजरे हैं उसमें मिर्ज़ापुर जिला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र जनपद है मिर्ज़ापुर जहाँ दो खाट सभाएँ हो रही हैं। तो पहली खाट सभा के बाद ये पहुँचेंगे मड़िहान जहाँ दूसरी खाट सभा होनी है। राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया। श्वेता, सबके पसीने निकल रहे हैं, इसके लिए बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में ही कह लेता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, जो दिल्ली से फ्लाइट थी वो थोड़ी देर हो गई, उसमें थोड़ी देर हो गई इसलिए थोड़ा लेट हो गया और आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं यहाँ आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और खास तौर से जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं जो इसके पीछे खड़ी हैं, आपका भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। ये यात्रा हमने 7-8 दिन पहले शुरू की, देवरिया से दिल्ली की यात्रा है, किसानों की लड़ाई है, किसानों की यात्रा है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद में आपसे बात करूंगा, मगर जो आपका सवाल है उसका मैं जल्दी से जवाब दे देता हूं। हमारी सरकार थी, किसान हमारे पास आए, मेरे पास आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गए और उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने हमसे कहा कि देश में किसान को कर्जा है, कष्ट है, सबकी मदद होती है, क्यों नहीं आप किसान की मदद करें और कर्जा माफ करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों ने कहा, विपक्ष के सब लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं हो सकता और उन्होंने हमसे लोकसभा में सवाल पूछा कि पैसा कहां से आएगा। 10 दिन के अंदर, 11वां दिन नहीं हुआ, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने का निर्णय लिया। और उन किसानों से मैंने कहा, सोनिया जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, आप अपना खून पसीना देते हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपका आदर करेगी, बैंक के दरवाजे जो आपके लिए बंद हैं उनको हम आपके लिए खोलेंगे, ये लीजिए 70,000 करोड़ रुपए। आपने अभी हमसे पूछा अगर आपकी सरकार आएगी तो आप कर्जा माफ करोगे। पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का लक्ष्य कर्जा माफ करने का है और हम सरकार आने के लिए नहीं रुके हैं। सरकार आएगी तो 100% कर्जा माफ होगा, मगर उससे पहले हम नरेंद्र मोदी पे दबाव डालना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि इस देश में किसान दुखी है, उसको दर्द हो रहा है, उसके ऊपर कर्ज है, आपके पास पैसा है, आप कर्जा माफ कीजिए। हमारा पूरा
पूरी शक्ति हमारी नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफ कराने की होगी। मगर अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की बात नहीं सुनी तो जैसे ही यूपी में या हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हमारा पहला कदम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ का होगा। पंडित लाल जी दुबे, आप अपना कोई प्रश्न रखना चाहें तो। तो हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, आप किस तरीके से किसानों के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं और लगातार एक ही बात, एक ही मैसेज दे रहे हैं, जहां भी वो अभी तक गए हैं अपनी इस यात्रा के दौरान, कि कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों के साथ हैं हम। अमित हमें अपडेट दे रहे थे, अमित जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।